आपको ये गार्डन दिया हुआ है, गार्डन का आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। 2000 एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन 2052.09 मीटर स्क्वायर। अब आपको लेंथ ऑफ रेलिंग निकालना है, जिसे हमें क्या करना है, फेंसिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये आपका गार्डन है, किस फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में। इसका आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको फेंसिंग करना है, तो कितनी रेलिंग लगेगी आपको, ये लेंथ फाइंड करना है। मतलब क्या फाइंड करना है आपको, पेरीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो सबसे पहले हम एरिया का यूज़ करके साइड की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम क्या सॉल्व करेंगे, पेरीमीटर। तो क्या हो गया ये आपके पास, एरिया। हमें लेंथ फाइंड करनी है किसकी, जिससे हम फेंसिंग कर सकें इस फील्ड की। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, पैरामीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, जो भी होता है आपका फॉर्मूला, साइड स्क्वायर होता है। अब आपको जो नंबर दिया आपने यहाँ पे राइट कर दिया, यही दिया हुआ है। अभी स्क्वायर इस साइड कन्वर्ट होगा तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। अब इस नंबर का हम डिवीजन मेथड से क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ये आपको इजीली आता है, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम। तो आपका आंसर क्या आएगा, 45.3 मीटर, ठीक है। ये आपका साइड हो गया, इस नंबर का स्क्वायर रूट हमने डिवीजन मेथड से निकाला, कितना आया हमारे पास, 45.3। अब लेंथ ऑफ रेलिंग जो हमें फेंसिंग करने के लिए चाहिए, उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, इट मीन्स इसका पैरामीटर निकालना होगा। तो पैरामीटर क्या होता, 4 इंटू साइड। 4 इंटू हमने साइड की मल्टीप्लाई, साइड की जो भी वैल्यू फाइंड हुई है उसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास क्या आ गया, 181.2 मीटर। ये आपका क्या होगा, आंसर। आपको लास्ट में आंसर सेंटेंस में देना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9, उसमें भी आपको ऐसे ही डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है कि एक नंबर है, हमें नहीं मालूम वो नंबर क्या है। उस नंबर का जब हम उसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5.909761। तो हमें वो नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमने सपोज कर लिया कि वो नंबर क्या होगा, एक्स होगा। उस नंबर का उसी में मल्टीप्लाई करें, मतलब एक्स का एक्स में ही मल्टीप्लाई करें, तो आपको ये नंबर मिलेगा। अब एक्स 2 टाइम है तो एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर अदर साइड कन्वर्ट करेंगे तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, 5.909761। इसका स्क्वायर रूट है, आप किस मेथड से निकालोगे, यही वाली मेथड से, डिवीजन मेथड से, जो आपको बहुत अच्छे से आती है। हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसके। तो आपको डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है, और जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, ये नंबर दिए हुए हैं आपको स्क्वायर रूट में, वहाँ पर आपको डिवीज़न मेथड से सॉल्व करके उनकी वैल्यू निकालनी है और सबट्रैक्ट करना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, वो आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, ओके।